अभी मैं एक डिले इफेक्ट आपको सुनाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉनिक डिले साउंड फ्रॉम पिंक फ्लॉयड, अनदर ब्रिक इन द वॉल. हेलो हाय दोस्तों, आप सब लोगों को टॉप हिंदी गिटार लेसन में स्वागत है. मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ. होपफुली आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट. ये वीडियो है गिटार के इफेक्ट के बारे में, नॉट ओनली गिटार, लेट्स से लाइक यू कैन यूज दिस. आप ये बेस में भी यूज़ कर सकते हैं, पियानो में भी यूज़ कर सकते हैं, वोकल में भी, लाइक जनरल नॉलेज अबाउट इफेक्ट, इफेक्ट के बारे में. और इसका दो मेन फायदा क्या है कि नंबर वन, आपके एक कन्फ्यूजन दूरी कर सकता है. ये क्या होता है कि स्पेशली फॉर बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए, जब आप कुछ नए गाने सुनते और वहाँ पर यू हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड, अजीब सा, आप जब वो साउंड सुनते हैं ना तो समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज, वो ये कौन सा इफेक्ट बज रहा है यहाँ पर, दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, यू नो. एंड द सेकेंड थिंग इज, जब आप कुछ नए गाने कंपोज करते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं नए गाने, यू कैन यूज़ दिस different different effect to make your song sound much more beautiful and different. So here we go, the very first effect. आपको मैं इफेक्ट दिखाऊंगा वन ऑन वन करके, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद मे बी आई ट्राई टू फाइंड सम सॉन्ग जहाँ पर ये इफेक्ट यूज हो रहे हैं. इफेक्ट नंबर वन, वाह वाह. इस इफेक्ट को आप वाह वाह कह सकते हैं. दो टाइप के होते हैं ये वाह वाह इफेक्ट, एक मैनुअल, इसके लिए आपको एक पैडल चाहिए होता है, आप पैडल से नीचे ऊपर नीचे करते हैं, दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विद द राइट फीट, डाउन अप डाउन अप. इसको बोलते हैं वाह वाह इफेक्ट. यू कैन हियर दिस अ लॉट इन रेगे सॉन्ग. रेगे सॉन्ग में आप बहुत ही सुन सकते हैं ये बॉब मार्ली का गाना. और अगर आपको सोलो करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज द वाह वाह, साउंड्स रियली ब्यूटीफुल. और दूसरा टाइप का होता है ऑटोमेटिक, एक पैडल मिलता है, आप वहाँ पर स्पीड और एवरीथिंग यू सेट इट अप देयर, आप ऑन करेंगे, उसके बाद यू कैन जस्ट रॉक एंड रोल. लेकिन मेरे को वो ऑटोमेटिक वावा अच्छा नहीं लगता है, इट साउंड्स रियली रियली रिडिकुलस. आई लाइक टू कंट्रोल माय वावा विद द फीट, सो दैट्स व्हाई आई नेवर यूज, मैं वो ऑटोमेटिक वावा कभी भी यूज नहीं करता हूँ. I always choose the manual wah wah. Effect number two, overdrive. इसको बोलते हैं overdrive. Overdrive और distortion को मैंने एक ही category में रखा है, क्योंकि overdrive मतलब less gain और distortion मतलब high gain. सिंपली ओवरड्राइव में आप अगर गेन को बढ़ाते हैं डिस्टॉर्शन होता है, अगर आप डिस्टॉर्शन में गेन घटाते हैं तो सिंपली होता है ओवरड्राइव. और एक और टिप आपके लिए, समटाइम्स आपको मालूम ही है वो ACDC का गिटार प्लेयर एंगस यंग, उसका ट्रिक क्या है कि ही ऑलवेज यूजेस हिज वॉल्यूम नॉब एवरी टाइम. वो एक चैनल सेट करता है सोलो के लिए, उसके बाद वो क्या करता है कि जब वो रिदम बजाता है तो सिंपली वॉल्यूम नॉब घटाता है थोड़ा. इससे क्या होता है कि आपका वॉल्यूम भी लो होता है और आपका गेन भी थोड़ा कम होता है.
दिस। और वो जब सोल रिदम बताता है तो वो थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा लो करता है, सोलो के टाइम में वो बहुत हाई करता है। सो ये था आपके लिए एक छोटा सा टिप। वन मोर टाइम, लो गेन वाला साउंड को आप बोल सकते हैं ओवरड्राइव, और ओवरड्राइव में जब आप गेन बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। अगर आप डिस्टॉर्शन में गेन घटाते हैं तो वो हो जाता है ओवरड्राइव। ये मेरा डिस्टॉर्शन, मैं अभी मेरे पैर से गेन घटा रहा हूं पेडल में, डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको। आप गेन घटाइए, हो जाता है ओवरड्राइव। अभी देखते हैं इफेक्ट नंबर 3, बूस्टर। वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ट्रेबल बूस्टर, बेस बूस्टर और वॉल्यूम बूस्टर। अभी मैं आपको वॉल्यूम बूस्टर दिखाऊंगा। ट्रेबल बूस्ट क्या करता है कि सिंपली आपका साउंड का ट्रेबल बढ़ाता है, बेस बूस्ट बेस बढ़ाता है। नॉर्मली मैं वॉल्यूम बूस्ट यूज़ करता हूँ। सिंपली क्या होता है कि अभी ये वॉल्यूम बूस्ट आपको वो जब आप क्लीन बजा रहे, रिदम बजा रहे, और अगर आपको वही साउंड में सोलो करना है तो बूस्टर हेल्प्स अ लॉट, आपका लेवल बढ़ाता है वो। अभी बूस्टर ऑफ है, अभी मैं ऑन करूंगा। ऑफ ऑन ऑफ ऑन, सिंपली आपका वॉल्यूम का लेवल बढ़ाता है बूस्टर, इसको बोलते हैं बूस्टर। आप ये क्लीन में भी यूज कर सकते हैं और डिस्टॉर्शन साउंड में भी यूज कर सकते हैं। दिस हेल्प्स अ लॉट अगर आपको सोलो बजाना है तो, इफ यू वांट टू गेट लिटिल हायर देन द अदर इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द सॉन्ग। इफेक्ट नंबर 3, इसको बोलते हैं बूस्टर। इफेक्ट नंबर 4, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर। इक्वलाइजर का मतलब मोर बेस ऐड करना है और वह बेस घटाना है, ट्रेबल घटाना है, मिड घटाना बढ़ाना है, आप ये सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरे साउंड का लो घटाऊंगा, आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर थोड़ा शार्प बनाना है ट्रेबल ही तो ट्रेबल आप यूज करेंगे, हाई करेंगे ट्रेबल को। ये आपका टोन को शेप करता है, काइंड लाइक शेपर, एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। द इक्वलाइजर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपके एम में होता है ना, ट्रेबल बेस मिड, इसी को बोलते हैं इक्वलाइजर। इफेक्ट नंबर 5, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। द कंप्रेसर का एग्जांपल मैं आपको अभी वोकल में दूंगा क्योंकि इट्स द बेस्ट आई कैन गिव इट टू यू राइट नाउ। वोकल का एग्जांपल कंप्रेसर में आप गाना गाते हैं, एक स्टार्टिंग होता है वेरी लो से, और जब आप कोरस में जाते हैं तो द वॉइस गेट रियली हाई। और क्या होता है कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, जब आप सुनते हैं द लो पार्ट विल साउंड रियली लो एंड द हाई पार्ट विल साउंड रियली हाई। तो जब आप वो लो पार्ट को सुनने के लिए वॉल्यूम हाई करते हैं ना, आपको वो लो पार्ट सुनाई देगा, लेकिन द हाई पार्ट विल ऑल्सो साउंड रियली रियली हाई। वो बैलेंस ही हट जाएगा वो लो और हाई पार्ट का। तो इसी समय अभी आता है कंप्रेसर का काम करता है। वो कंप्रेसर क्या करता है कि वो लो साउंड को एक बैलेंस, वो लो साउंड को बूस्ट देगा और हाई साउंड को भी वो बढ़ने नहीं देगा। हाई और लो साउंड को वो एक ही बैलेंस करके रखेगा। सो फॉर एग्जांपल अभी गिटार के देखते हैं, कंप्रेसर ऑफ है, इट कैन साउंड रियली वियर्ड व्हेन आई प्ले टू हार्ड, यू नो, एंड द लो साउंड कैन आल्सो बी रियली लो।
लेकिन मैं जब अब कंप्रेसर ऑन करता हूँ, इट डजंट मैटर हाउ लो आई हिट, यू विल हियर द साउंड. कंप्रेसर ऑन, मैं बहुत ही लो हीट कर रहा हूँ लेकिन यू कैन स्टिल हियर द साउंड. अभी कंप्रेसर ऑफ, कंप्रेसर ऑन. Now I'll hit it really hard, but it doesn't matter. इसका एक लेवल है, वहाँ से वो ऊपर जाने नहीं देगा और लो का लेवल वहाँ से नीचे जाने नहीं देगा ये कंप्रेसर. अभी कंप्रेसर ऑफ, आई कैन गो रियली लो, रियली साइलेंट. कंप्रेसर ऑन, साउंड को बैलेंस करता है, लो साउंड और हाई साउंड को ये बैलेंस करता है. I love compressor, especially for the vocals. अभी हम देखते हैं इफेक्ट नंबर 6, इसको बोलते हैं नॉइज गेट. अगर आप बहुत ही गेन चलाते हैं साउंड में यूज़ करते हैं तो यू विल नीड अ नॉइज गेट. दो टाइप के होते हैं, 2-1, 4-1. 2-1 दैट मीन्स अ सॉफ्ट वन, 4-1 मीन्स अ हार्ड वन. मैंने आपको कंप्रेसर में बोला था हार्ड और सॉफ्ट, इट गोज द सेम विद द नॉइज गेट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बहुत ही फुल गेन वाला साउंड है, नॉइज गेट ऑफ है. दिस इज रियली एम्बैरेसिंग. कॉन्सर्ट में रिकॉर्डिंग में ये साउंड नहीं चलेगा. कोई साइलेंट नहीं है. तो इस सिचुएशन में आप, अगर आपको इस साउंड को हटाना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, नॉइज गेट. सिंपली वो हार्ड वाला नॉइज गेट आप यूज मत करिए, सॉफ्ट. मैंने अभी वॉल्यूम ऑफ किया है मेरा गिटार का. आप सॉफ्ट वाला नॉइज गेट यूज करिए. अगर आप टू मच नॉइज गेट यूज करते हैं तो वो आपका सस्टेन को काट देता है, एंड दैट इज नॉट नाइस. प्लीज यूज द सॉफ्ट काइंड ऑफ नॉइज गेट. और सिंपली आपको, जब आपको गिटार में ये साउंड आता है तो सिंपली नॉइज गेट ऑन करके अभी उसका वॉल्यूम बढ़ाइए और सी एक्सप्लेन करना है. अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी कितने में रखा, 3.7 में रखा और द साउंड इज ऑलरेडी गॉन. थोड़ा सा साउंड अभी सुन रहे हैं लेकिन दिस इज नो प्रॉब्लम. अभी मैंने 10 किया, फुल गेट ऑन. अभी देखते हैं इसका सस्टेन कितना आता है. you can already hear it's fading away, you know, sound getting thin because I'm using too much of noise gate. You can't do that. Just use like really less, like 3 or 4, you know, 3 or 4 से ऊपर नहीं जाना है noise gate में. Maybe 5 maximum, soft one. क्या है, सबसे क्लोज ऑन एंड ऑन. थोड़ा थोड़ा आ रहा है 2.7 में, मैं ऑन करके 3.7 रखूंगा. अगर आप बहुत ही गेन वाला साउंड यूज करते हैं तो यू नीड अ नॉइज गेट. फॉर क्लीन प्लीज डोंट यूज एनी नॉइज गेट. क्लीन के लिए नॉइज गेट आपको नहीं चाहिए. इफेक्ट नंबर 7, कोरस, रोटरी, वायोराटो और ट्रेमोलो, सभी एक ही फैमिली से. तो पहले देखते हैं कोरस, इसको बोलते हैं कोरस. कोरस ऑफ, सिंपल क्लीन. मैंने कोरस ऑन किया है, डिस्टॉर्टेड साउंड में भी आप कोरस यूज कर सकते हैं लेकिन इट विल साउंड मोर ब्यूटीफुल विद अ क्लीन गिटार. कोरस जब आप प्लग इन करते हैं ना, प्लग इन बजाते हैं ना, उस समय पर आप कोरस ऐड कर सकते हैं. तो अभी दूसरा इफेक्ट देखते हैं. इसको बोलते हैं ट्रेमोलो.
वॉल्यूम जब आप ऑन ऑफ करते हैं ना, यू गेट द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट। आई एम यूजिंग द वॉल्यूम पैडल नाउ। आपको वो ग्रीन डे का गाना है याद है? आई वॉक अ लोनली रोड, वो पहला ये फर्स्ट में इफेक्ट आता है ना। स्पीड थोड़ा बढ़ाना है। इसको बोलते हैं ट्रेमोलो इफेक्ट। अभी देखते हैं। वाइब्राटो, इसको बोलते हैं वाइब्राटो। मैंने आपको बताया था कोरस, रोटरी, वाइब्राटो, ट्रेमोलो, ये सभी एक ही फैमिली से है। अब इसको बोलते हैं रोटरी। साउंड सेम लाइक द ट्रेमोलो, अ लिटिल बिट फास्टर। कोरस, रोटरी, वाइब्राटो और ट्रेमोलो सभी एक ही फैमिली से है, दैट्स व्हाई इट साउंड्स मोर सिमिलर, यू नो। वाइब्राटो, रोटरी, ट्रेमोलो, इफेक्ट नंबर 8, इसको बोलते हैं फेजर। एरिक वैन हेलन, ही वाज यूजिंग दिस इफेक्ट अ लॉट, वो ये इफेक्ट बहुत यूज करते थे। रेस्ट इन पीस एरी। फेजर इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 9, फ्लेंजर। इसको बोलते हैं फ्लेंजर इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑन। आप वो एरोप्लेन टाइप का इफेक्ट यहाँ पर सुन सकते हैं। आपको वो मालूम है पेंटेरा का काउसरूम हिल। वहां पर यूज हुआ है ये फ्लेंजर इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 10, पिच शिफ्टर, और यही सेम फैमिली में पड़ता है, हार्मोनिक, ट्रांसपोज, ऑक्टेव, वाइनल स्टॉप। अभी आपको मैं पिच शिफ्टर बजा के दिखाऊंगा। आप सिंपली ये नोट का पिच आप बढ़ा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं पिच शिफ्टर।
अभी मैंने क्या किया है, मैंने सेटअप किया है प्लस 12 हायर, सेम नोट लेकिन 12th हायर कर रहा हूँ मैं अभी, एक ऑक्टेव हायर। इसका 12 होता है यहाँ, साउंड सेम। आपको ये सोलो मालूम है रेज एंगस मशीन का, किलिंग इन द नेम। ये पिच शिफ्टर इफेक्ट यूज करके ही बजाया है। आप ये पिच शिफ्टर से आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आप करते हैं तो प्लीज ऑक्टेव वाला करिए, साउंड्स मच मोर ब्यूटीफुल। प्लस 12, 24, 36 या माइनस 12, 24 और 36। अभी मैं घटाऊंगा। हमने देखा था बिफोर द पिच शिफ्टर, हमने प्लस 12 किया था, अभी हम करते हैं माइनस 4। अभी ये नोट बढ़ नहीं रहा है, अभी घट रहा है। इसको आप ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। अभी गिटार ई स्टैंडर्ड में ट्यूनिंग है। अभी मेरे को डी में बजाना है, तो क्या करना है, ट्रांसपोज। पहले से मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ, ये पिच शिफ्टर इफेक्ट से मैं सिंपली द होल ट्यूनिंग को चेंज कर सकता हूँ। ई स्टैंडर्ड माइनस 2, लेट्स गो, लेट्स डू मोर माइनस, माइनस 3। सुपर फन। पिच शिफ्टर ऑफ, बैक टू द नॉर्मल। फ्रॉम द सेम फैमिली अभी हम ऑक्टेवर देखते हैं। मैं अभी एक नोट बजा रहा हूं, लेकिन आप सुन रहे तीन नोट एट द सेम टाइम। इसका मतलब मैंने दो ऑक्टेव ऐड किया है इसमें, एक लो वाला एक हाई वाला। एक है माइनस 12, एक है प्लस, एक वॉइसिंग है माइनस 12, एक है माइनस 24। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड एक प्लस 24, एक माइनस 24। आप कौन सा भी पिच ऐड कर सकते हैं ऑक्टेवर में। अभी देखते हैं द लास्ट वन फ्रॉम दिस फैमिली, वाइनल स्टॉप। वाइनल स्टॉप का मतलब वो आपको मालूम है ना, वो वाइनल सीडी जब आप वो बज रहा है, जब आप स्टॉप करते हैं, हाउ इट साउंड्स सेम। साउंड्स वेरी गुड। इट्स सेम लाइक ये ट्रांसपोज हो रहा है, लो हो रहा है, उसके बाद वॉल्यूम फुल ऑफ। उसको बोलते हैं वाइनल स्टॉप। अभी दो इफेक्ट बाकी है, नाउ हम देखते हैं इफेक्ट नंबर 11, द सेकेंड लास्ट वन, डीले, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इफेक्ट पैडल। इसको बोलते हैं डिले।
यू हियर द नोट या आप एक बार बजाते हैं उसके बाद ये नोट द सेम नोट रिपीट्स सोलो में यूज कर सकते हो साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल विदाउट डिले साउंड्स वियर्ड डिले के बिना ये बहुत ही ड्राई यू हियर इट रियली ड्राई यू नो हिट द डिले नाउ वो डिले में बहुत ही टाइप होते हैं सिंपल डिले टेप डिले डिजिटल डिले एनालॉग डिले जब आप डिले यूज करते हैं तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अगर ये डिले बहुत हो गया तो इट कैन ओवरलैप यू नो आपको आपका मेन सोलो को वो ओवरलैप कर सकता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिले यूज करते हैं तो अभी मैं एक डिले इफेक्ट आपको सुनाऊंगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉनिक डिले साउंड फ्रॉम पिंक फ्लॉयड अनदर ब्रिक इन द वॉल जब मैं एक बार बजाऊंगा उसके बाद ही सुन देना आफ्टर दैट द इफेक्ट इसको बोलते हैं फीडबैक अभी फीडबैक बहुत ही कम किया है मैंने अभी मैं फीडबैक बढ़ाता हूँ इसको बोलते हैं फीडबैक मैंने अभी देखते हैं अ वेरी लास्ट इफेक्ट इसको बोलते हैं रिवर्ब इट्स लाइक जब आप अपने रूम में जाते हैं इसे बजाते हैं वो भी एक रूम रिवर्ब है लाइक रिवर्ब यू हियर इट एवरीवेयर जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ पर भी एक अजीब सा साउंड सुनते हैं ना आप जब आप रूम में इसे करते हैं तो वह साउंड आता है ना इसको बोलते हैं रिवर्ब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्ब होता है स्प्रिंग लार्ज हॉल प्लेट एंड सो ऑन एंड आई लव दिस मैं डिले इतना यूज नहीं करता हूँ लेकिन रिवर्ब आई लव इट आई यूज इट मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्ब अभी मैं नेचुरल रिवर्ब यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सिंपली आपको अगर रिवर्ब का मिक्स देखना है कितने आप कितना यूज रिवर्ब कर रहे हैं सिंपली म्यूटेड स्ट्रिंग आपको एक बार इसे बजाना है एंड यू हियर द रिवर्ब यू नो इसको बोलते हैं रिवर्ब ड्राइव वाली साउंड में गेन घटा के पिकअप चेंज करके
करूँ कभी। So that was all. I hope you guys will enjoy it. Please do keep supporting Top Hindi Guitar Lesson and we'll see you very soon. Till then, take care, have fun.